I request Shri Prakash Javadekar ji, Dr. Bindeshwar Bathak ji, Tridib Raman ji, Geeta Singh ji, or Rita Singh ji, aap kripya stage par aaye aur ceremony ka lamp jo hai usko light karke iski shuruaat hum conclave ki karte hain. With this, ladies and gentlemen, we enter the first session of the Youth Conclave, wherein we discuss the changing paradigms in education. पहले सेशन में श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के साथ बातचीत करेंगे पार्लियामेंटेरियन मैगजीन के एडिटर इन चीफ त्रिदीप रमन जी. तालियों के बीच उनका स्वागत. श्री जावड़ेकर जी के बारे में कुछ कहना आकाश को दिया दिखाने की तरह होगा. श्री प्रकाश जावड़ेकर, यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, has the onerous task of giving shape to the future of new generations of our country by formulating the new education policy. Despite being constantly under the media glare, Prakash Javadekar has always been miles away from controversies. Before HRD, he was heading Union Forest, Environment and Climate Change Ministry. In his stint in Paryavaran Bhavan, Sri Javadekar struck a fine balance between environment and development. Besides, in Paris round of climate change talks, he articulated India's position extremely well, resisting pressure of developed countries from America and Europe. His oratory skills and composure has earned him quite a fan following. आप दोनों से गुजारिश आ पाएं श्री त्रिदीप रमन के बारे में ये कहने में अपार हर्ष है कि पिछले 30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं 360 डिग्री पत्रकार हैं टेलीविजन प्रिंट डिजिटल सभी जगह पे रहे हैं और अब हम रमन साहब आपसे गुजारिश करेंगे श्री जावड़ेकर जी के साथ आप अपना सेशन शुरू करें. दोस्तों पार्लियामेंटेरियन के पहले यूथ कॉन्क्लेव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और प्रकाश जी का मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त प्रोग्राम में दरअसल इनका पटना का जाने का भी प्रोग्राम था तो इन्होंने फ़्लाइट कैंसिल करके दोबारा से फ़्लाइट ली शाम की और प्रोग्राम में शामिल हुए. हम पूरा पार्लियामेंटेरियन परिवार इसके लिए उनका हृदय से आभारी है. प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉन्क्लेव में. आपने बुलाया तो मुझे गाना याद आ गया, त्रिदीप ने बुलाया और हम चले आए. शुक्रिया. हमारा जो रिश्ता है और आप जो अभी पार्लियामेंटेरियन मैगजीन का काम कर रहे हैं और आज मैगजीन के 2 साल होते ही आपने ये यूथ कॉन्क्लेव भी शुरू की है तो इस बहुत स्वागत है आपका. अभी सवाल, पहला सवाल प्रकाश जी हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपने एचआरडी मिनिस्ट्री संभाला है और बहुत आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि पूरे मंत्रालय के चेहरे को बदलने की, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, आप क्या कर रहे हैं? मैं पहले तो इस देश में 27 करोड़ छात्र है, केजी टू पीजी 270 मिलियन स्टूडेंट्स, इट्स ह्यूज. यूरोप के अनेक देशों की जनसंख्या नहीं उतने अपने छात्र हैं और बहुत बड़े बड़े देश है, अमेरिका की जनसंख्या जितनी है लगभग उतने हमारे छात्र हो गए. तो ये पढ़ने वाला देश है और 27 करोड़ छात्रों के पेरेंट्स भी हैं. एक घर में कोई 2 बच्चे पढ़ते हैं ऐसा समझ ले तो भी एक 40 करोड़ वो भी है. तो आधा भारत तो मुझसे सीधा जुड़ा है क्योंकि रोज जो शिक्षा में क्या होता है वो देखते हैं और इसलिए जिम्मेवारी का एहसास ज़्यादा है कि भारत का भविष्य निर्माण होना है तो शिक्षा अच्छी होनी चाहिए. और इसलिए जैसे प्रधानमंत्री ने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, हमारा नारा है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, इस पर हम चल रहे हैं.
So our priority is definitely quality of education. Or quality of education right from primary level to higher education level, sab jagah. Aur isliye quality ko kaise badhana? Right to education aane ke baad, pehli se aathvi tak ki detention khatam ho gaya, koi na fail hoga hi nahi, seedha upar jayega. Ab navi mein aata hai aur chauthi ka kitab nahi padhne aata hai. Ye sthiti hai bahut matra mein. Ye gambhir hai lekin satya hai. और सत्य बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है और स्वीकार करने से ही सुधार होता है. तो हम मानते हैं कि आज की शिक्षा की स्थिति शोचनीय है, क्वालिटी खराब हुई है. मैं जिला परिषद स्कूल में पढ़ा हूं और हमारे लगभग सभी मंत्री जिला परिषद स्कूल में से पढ़े आए. उस समय जिला परिषद के स्कूल अच्छे थे क्योंकि पढ़ाई सिखाने वाले शिक्षकों का एक कमिटमेंट भी था, अभिभावकों का भी उसमें हाथ था, समाज का साथ था और सब मिलके शिक्षा को एक पवित्र कार्य के रूप में देखते थे. और इसलिए एक शिक्षा, सार्थक शिक्षा जिला परिषद के स्कूल में भी होती थी. आज बहुत राज्यों में जिला परिषद के स्कूल फेल्यूर में जा रहा है. वी हैव अ ब्रोकन स्कूल एजुकेशन सिस्टम. और इसलिए हमने चार उपाय किए. पहले उतने बताऊं, पहले तो हमने लर्निंग आउटकम्स का, जिसका उल्लेख की फेल नहीं होगा लेकिन कुछ तो होना चाहिए ना, कि एक पहली में क्या आना चाहिए, दूसरी में क्या आना चाहिए, तीसरी में क्या आना चाहिए, यह साफ होना चाहिए. इसे कहते हैं लर्निंग आउटकम, बेंचमार्किंग ऑफ द नॉलेज यू मस्ट एक्वायर इन दैट 12 मंथ्स. और उसके लिए लर्निंग आउटकम्स अब हमने डिफाइन किए हैं, नोटिफाई किए हैं और 2017-18 से ये लागू होंगे. तो अभी जो स्कूल शुरू होंगे उसमें हर एक स्टैंडर्ड में बच्चे को क्या आना चाहिए यह अब डिफाइंड है. यह हम पेरेंट्स को भी देने वाले हैं पैम्पलेट के रूप में कि आपका बच्चा अगर दूसरी में है तो इतना आना चाहिए उसको. शिक्षकों को भी हैंडबुक तैयार किया है, उनका भी प्रशिक्षण चलेगा और एक सार्थक होगा. तो ये जो अभी कंप्लेंट आ रही है कि पांचवी के बच्चे को दूसरी का किताब नहीं पढ़ने आ रहा है, यह अब नहीं होगा क्योंकि हर वर्ष में क्या आना चाहिए इसका पूरा उल्लेख होगा. वो स्कूल पर भी लिखा जाएगा कि पहली में क्या आना चाहिए, दूसरी में क्या आना चाहिए, आठवीं में क्या आना चाहिए. सर, जो बातें आप कह रहे हैं ये सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट में यही सारी बातें कही गई है, पर आपकी पूर्ववर्ती मंत्री ने उस रिपोर्ट को शायद कूड़े के डब्बे में डाल दिया और उसकी सिफारिशों को नहीं माना उस कदर. उसमें यही कहा गया है कि टीचर को लाइसेंस मिलना चाहिए, लाइसेंस का रिन्यू होना चाहिए और हमारे जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए शिक्षा के ऊपर. ऐसी सारी बातें क्या सरकार पुनर्विचार कर सकती इस कमेटी की रिपोर्ट पर? नहीं, पहले तो ये मैं कहूँ कि आज हमारे देश विकसित नहीं है पूरा, विकसनशील देश है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, लार्ज इकोनॉमी है, लेकिन पूरा विकसित देशों जैसा अर्थव्यवस्था नहीं है. फिर भी 6% नहीं, लेकिन आप बढ़ते 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 हम इस साल 4.5% ऑफ जीडीपी इतना खर्चा कर रहे हैं, ये भी एक अपने अपने देश के लिए बहुत अभिमान की बात है. तो शिक्षा पर खर्चा जोर से होगा. जहां तक सुब्रमण्यम कमेटी की बात है, देखो एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहल मोदी जी ने की. मोदी जी की इच्छा है कि महिलाओं के लिए नीति बने, शिक्षा के लिए नीति बने, स्वास्थ्य के लिए नीति बने, समाज के हर जरूरत चीज के लिए एक नीति बने, ताकि आने वाले 20-30 साल कैसे सरकार काम करेगी और समाज कैसे जुड़ेगा इसका ये चित्र साफ करेगी. और इसलिए शिक्षा नीति की पहल के लिए 1 जनवरी 2015 में ये काम शुरू हुआ और 2 साल लाखों गाँव से अभिप्राय आए, प्रतिक्रियाएं आई, वेबसाइट पर आई हजारों प्रतिक्रियाएं, फिर उसके बाद लिखित भी आई, फिर स्टेट से कंसल्टेशन हुआ, रीजनल वर्कशॉप्स हुए, सभी मंत्रियों से बात हुई, 2-3 मीटिंगें हुई, फिर सुब्रमण्यम कमेटी ने सभी सुझावों को इकट्ठा करके और अपने भी कुछ सुझाव दिए, उसके बाद भी एक वो फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं था. तो अब एक राष्ट्रीय कमेटी आने वाले चंद दिनों में तैयार होंगे और बाकी सारा सुझाव प्रक्रिया जो लोगों से लेना है वो पूरा हो गया है. 2 years मोस्ट एग्जॉस्टिव डेमोक्रेटिक प्रोसेस हैव बीन फॉलोड एंड देयरफॉर अभी आएगी और मुझे लगता है
कि आने वाले 3-4 महीने में हमें एक अच्छी कारगर शिक्षा नीति मिलेगी, जिससे नक्शा साफ होगा कि हम किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। सर, पूरे देश को इंतजार है आपकी नई शिक्षा नीति का, तो क्या हम माने कि 4-5 महीने में इसका ऐलान मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि और उसकी खास बातें क्या रहेगी? मूल खास बातें है, 5 पिलर्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी आर एंड विल बी एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, एक्सेसिबिलिटी सबको शिक्षा, इक्विटी सामाजिक न्याय, गरीब को और समाज में दबे कुचले वर्गों के भी शिक्षा का अधिकार सबका है, तो ये एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी, जो मैंने कहा कि गुणवत्ता में सुधार, पहली से पीजी तक सब स्तर पर गुणवत्ता में सुधार, तो क्वालिटी, देन अकाउंटेबिलिटी, हर एक की जिम्मेवारी, शिक्षा संस्थानों की जिम्मेवारी है कि नहीं, शिक्षकों की जिम्मेवारी है कि नहीं, अभिभावकों की भी जिम्मेवारी है, छात्रों की भी है, तो शिक्षा के जो भी सभी प्रशासन है उसकी भी जिम्मेवारी है, सरकार की भी जिम्मेवारी है, तो ये जिम्मेवारी का एहसास अकाउंटेबिलिटी में और अफोर्डेबिलिटी, आखिर शिक्षा सबको मिलनी चाहिए तो उसकी साधन भी मुहैया करना चाहिए, या तो फीस कम हो या एजुकेशन लोन अच्छे मात्रा में मिले, ये एक कुछ न कुछ तो होना चाहिए, तभी जाके शिक्षा सबको मिल सकती है, तो ये 5 बिंदु है जिस पर यह शिक्षा नीति निर्भर करेगी। सर, 2025 तक भारत ऐसा देश हो जाएगा जहां सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों की संख्या होगी, स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा होंगे पूरी दुनिया में, और आप ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना चाहते हैं जो इस वक्त 23.6 है, तो वो कैसे बढ़ेगा सर? ऐसा है, उच्च शिक्षा में सारे दुनिया भर में 2 ट्रेंड्स हैं, एक कुछ लोग प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करके तुरंत काम में जुड़ जाते हैं, तो कहीं 7 वर्ष है, कहीं 8 वर्ष है, कहीं 10 साल है, लेकिन 10वीं तक की शिक्षा लेके हमारी प्राथमिकता यही है कि राइट टू एजुकेशन से 8वीं तक आता है, वो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 10वीं तक जाए और टेक्निकल या कोई वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग लेके वो अपने काम में जाना है तो काम जाएगा, जिनको उच्च शिक्षा में जाना है वो जाए। आज 24% हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट है, वो भी 4 करोड़ छात्र है उच्च शिक्षा में, कम नहीं है संख्या, और 800 यूनिवर्सिटीज़ है, 38,000 कॉलेजेस है, 100 से ज़्यादा शैक्षिक संस्थान है, IIT, IIM, ISERS, IIITs, NITs सब मिलके, तो वो भी इतने हजार एक संस्था, और जहाँ 4 करोड़ से ज़्यादा शिक्षा ले रहे हैं, 40,000 से ज़्यादा संस्था और 4 करोड़ से ज़्यादा छात्र, तो ये जो चित्र है ये अच्छा है, लेकिन इसमें भी बढ़ोतरी होनी है। जिसको भी उच्च शिक्षा लेनी है, जिसको भी सही में डिग्री लेकर कुछ अच्छा एक अलग काम करने की इच्छा है, या जिसको शोध करना है, उनको अवसर मिलना चाहिए। इतना रेशोज विकसित देशों में 50% तक है। सर, एक और तो सिंगापुर जैसे देश हैं जहाँ पे लोगों की पहली प्राथमिकता होती है कि सरकारी स्कूलों में, सरकारी संस्थानों में दाखिला हो, और वहाँ नहीं होता है तो मजबूरन वो प्राइवेट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन भारत में इसका उल्टा है। यहाँ 60% जो है शिक्षण संस्थाएं निजी हाथों में हैं, और उन जो सरकारी जो शिक्षण संस्थाएं उनकी हालत जो है बहुत अच्छी नहीं है सर। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि मेरा सबसे बड़ा चैलेंज और जो 2 साल में हम साध्य करेंगे वो ये है कि जिला परिषद के स्कूल को उसकी गुणवत्ता वापस लौटानी है, और ये चैलेंज हमने स्वीकार किया है, और जिला परिषद के स्कूल को, म्यूनिसिपल स्कूल्स को अच्छा बनाएंगे, क्योंकि पब्लिक एजुकेशन जितना अच्छा होगा, क्योंकि वो फ्री है, उसमें मिड डे मील भी है, इसमें यूनिफॉर्म भी है, इसमें टेक्स्ट बुक भी है, पेरेंट्स को खर्चा नहीं है, और यही गरीब के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन आज परसेप्शन बदला, लेकिन एक है, आज केंद्रीय विद्यालयों की प्रतिष्ठा बनी है, बल्कि मेरे पास इतने रिक्वेस्ट आ रहे हैं केंद्रीय विद्यालय के, कि लोग कह रहे हैं कि सभी स्कूलों को केंद्रीय विद्यालय बनाओ, तब जाके ये दर्जा सुधरेगा। तो ये केंद्रीय विद्यालय की मांग। दूसरी एक स्थिति, जो नवोदय विद्यालय है हमारे, हर जिले में एक है, हमें पता नहीं है वो कहीं ऑब्स्क्योर प्लेस में बनाए गए थे, इसलिए जिले में भी पता नहीं होता कि कहाँ नवोदय विद्यालय है। लेकिन सच्चाई यह है कि 680 से ज़्यादा नवोदय विद्यालय जो है, 5वीं पास होने वाले 25 लाख ग्रामीण बच्चे,
क्योंकि वो एक ग्रामीण बच्चों के लिए है। ग्रामीण बच्चे इम्तिहान देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है, और उससे 40,000 जो टॉप आते हैं उनको इसमें प्रवेश मिलता है। आज सबसे सफल मॉडल कोई है तो नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय है, और इसी के सूत्रों को पकड़ के और जिला परिषद के जो इतने सारे अध्यापक हैं उन पर मेरा विश्वास है। मैं अविश्वास के आधार पर काम नहीं करता, तो हम विश्वास के साथ उनमें भी अच्छे गुण है, उनमें भी इनोवेशन है, उनको जागरूक करके और उनको ट्रेनिंग अच्छा करा के और उसका पूरा रिफॉर्म करके एजुकेशन ट्रेनिंग का, सब शिक्षक भी अच्छे हो और अभिभावक भी अपनी जिम्मेवारी ले, कम्युनिटी अपनी जिम्मेवारी ले, तो ये जिला परिषद की गुणवत्ता सुधरेंगे। आज राजस्थान में, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में और आंध्र में इस तरह से, और तेलंगाना में भी इस तरह से जिला परिषद के स्कूलों को सार्थक बनाया गया है कि वहाँ प्राइवेट छोड़कर लोग गवर्नमेंट स्कूल में आने लगे हैं, ये भी ट्रेंड है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर, प्रधानमंत्री हायर एजुकेशन को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या ठोस योजना है आपके पास सर? नहीं, एक तो प्रधानमंत्री जी ने ये समझा और देश की जरूरत को समझा कि हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा युवा 18 उम्र पार करते हैं, यानी काम के बाजार में आते हैं, कि काम चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन उनके पास अगर हुनर है लेकिन कौशल नहीं है तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो कौशल कैसे मिलेगा? हर क्षेत्र में कौशल की जरूरत है, और कौशल है तो हर क्षेत्र में रोजगार है, यहाँ भी है, बाहर भी है, और इसलिए कौशल मंत्रालय का निर्माण किया। कौशल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय एक साथ काम करते हैं बहुत विषयों में, क्योंकि हमारे ITIs थे, पॉलिटेक्निक थे, अब प्रैक्टिकली हमने कौशल मंत्रालय को दिया है, क्योंकि वो बेसिक वोकेशनलाइजेशन वहाँ है, लेकिन हमारे बैचलर इन वोकेशनल एजुकेशन है, हमारे IITs और बाकी जो संस्थान है, जो एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन है, तो ये जो है ये चलता रहेगा। दोनों मंत्रालय मिलकर ये पूरा काम, जो 1 करोड़ नए छात्र आ रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले और रोजगार के काबिल उनको बनाए, ये बनाना, यह हमारा दोनों का मिशन है। सर, आज देश में 5,500 से ज़्यादा बी स्कूल्स हैं। अगर आप देखें IIM जैसे संस्थानों की, कुछ को कुछ की बात छोड़ दें, तो जितने बच्चे वहाँ से पढ़कर निकलते हैं उनको 10,000-12,000 की नौकरी मिलती है। MBA ग्रेजुएट को 7% का उनका सर प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये स्थिति त्रासद है। कॉलेज की बात करें, MBA की ग्रेजुएट की बात करें, MBA की, हाँ, ऐसा है। अपने देश में एक बड़ा मुद्दा है कि एक बार एक बात चल गई, MBA कोर्स चल गया, डिमांड आ गई, तो लड़के या छात्र भी पीयर प्रेशर में वही जाने लगते हैं, और फिर मशरूमिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स होता है, और मैनेजमेंट में जाओ और अच्छा जॉब पाओ ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। देखो, आपको तनख्वाह मालिक वही उसी का देगा जिसकी जो काबिलियत है, तो काबिलियत के आधार पर मिलता है, केवल डिग्री सर्टिफिकेट दिखाने से आपका पे पैकेज तय नहीं होता है। यह नए दुनिया का नया नियम है, और इसलिए अच्छे शिक्षा संस्थान, लेकिन मेरा जवानों पर भरोसा है। ये जो यूथ कॉन्क्लेव है उसमें मुझे भरोसा इसलिए है कि इस यूथ ने क्या एक पराक्रम किया। इंजीनियरिंग कॉलेजेस हजारों हो गए, कुछ अच्छे, कुछ भले, कुछ बुरे, तो लोगों ने क्या किया? पहले जानकारी नहीं थी, एम्पावरमेंट नहीं था, बट इंटरनेट हैज गिवन एम्पावरमेंट, और उसके कारण ये हुआ कि लोग अब वेबसाइट पर जाते हैं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखते हैं, पीयर रिव्यू लेते हैं, और वो लेने के बाद एडमिशन लेते हैं। ऐसे बुरे कॉलेज जो अच्छा नहीं पढ़ाते थे, केवल पैसा ऐंठते थे, 400 कॉलेज पिछले 3 साल में छात्रों ने बंद किए हैं, हमने बंद नहीं किए, ये एक पराक्रम, क्योंकि छात्रों ने ये संदेश दिया है एजुकेशन सेक्टर को कि अच्छा पढ़ाओगे तो हम आएंगे, अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो हम जाएंगे, ये एक संदेश दिया, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर, एक और जो सरकारी शिक्षण संस्थानें हैं उनको बजट की कमी है, या ऐसा कहा जाता है बार बार, आपके पास FTI जैसी संस्थानें भी हैं जहाँ पे 3 साल का कोर्स जो है वो 7 साल में पूरे कर रहे हैं, 8 साल में पूरे कर रहे हैं, और एक बच्चे पे आप तकरीबन 12 लाख रुपए खर्च करते हैं, तो ये असमानता क्यों है इतनी बड़ी? नहीं, दो बातें हैं।
देखो समाज को शिक्षा में खर्चा करना चाहिए, लेकिन मैं अब जगह जगह जा रहा हूँ, बता रहा हूँ JNU को भी, DU को भी और सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को, इनकी फीस आपको कल्पना है? साल की फीस 6,000 रुपये है, 6,000 रुपये साल की फीस, और उनको खर्चा होता है 2,50,000 रुपया प्रति वर्ष प्रति छात्र। ये 2,50,000 रुपये कौन देता है? ये 2,50,000 रुपये गरीब समाज देता है। जब वो अपने जरूरत की चीजें खरीदता है तो जो टैक्स भुगतता है उस टैक्स से ये पैसा आता है। तो मैं हमेशा जहां जहां कॉलेज में जाता हूं बताता हूं कि आप पर समाज का उधार है, उसको चुकाना है, इसलिए हर चीज में गरीब की याद करो और जीवन में जो काबिलियत पाओगे उसका उपयोग गरीब के सेवा के लिए करो, ये हम कहते हैं। ये सोशल ऑब्लिगेशन का भाव, ये महत्वपूर्ण भाव। सर, JNU को लेकर आपकी सरकार पर कुछ भेदभाव का आरोप लगता रहा है और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी नई सुखबुगाहट देखने को मिल रही है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सभी विश्वविद्यालय फैकल्टी आपने बंद कर दिए? नहीं, कोई फैकल्टी बंद नहीं किए हैं। MPhil के कई? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो मैं बताता हूँ। हाँ, अच्छा पूछा आपने, मैं बताना चाहता हूँ। देखो, MPhil और डॉक्टरेट के सीट्स दुनिया भर में कैसे तय होते हैं? दुनिया भर में एक प्रोफेसर चार, ज्यादा से ज्यादा चार छात्रों को गाइड करता है, क्योंकि PhD ये बहुत सीरियस एक्सरसाइज है। तो PhD का एक गाइड रोज छात्र के साथ संवाद करता है, उसको गाइड करता है, उसको अध्ययन कराने को लगाता है, फिर उसका अध्ययन जांचता है, फिर आगे बढ़ाता है। तो ऐसा 4-5 साल का ये प्रवास है। एक कमिटमेंट उसकी है तो इतना इतना वो करना करता है, और ये 8 छात्र पूरे करना उसको समय लगता है। और ये वैसी गुरुकुल जैसा ही है, गुरु शिष्य का एक प्रत्यक्ष संवाद से ही बनने वाला ये काम है। 4 छात्रों को इकट्ठा बिठा कर नहीं पढ़ा सकते, लेकिन ये सारे देश भर में, दुनिया भर में ये नियम है। UGC ने इस नियम में थोड़ी ढिलाई इसलिए दी कि भारत को ज़्यादा PhD होना चाहिए, और इसलिए एक प्रोफेसर 8 लोगों को गाइड कर सकता है, एसोसिएट प्रोफेसर 6 को कर सकता है और असिस्टेंट प्रोफेसर 4 को कर सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं दुनिया में गाइड नहीं कर सकता, लेकिन केवल यहाँ गाइड करने को अलाउ किया है। तो यहाँ लेकिन क्या हुआ, JNU में एक अलग ही सिस्टम थी। अब मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि क्यों हुई, कैसे हुई, किसी को दोष भी नहीं देता हूँ, लेकिन फैक्ट ये है कि कुछ प्राध्यापक गाइड करके 10 छात्रों को पढ़ा रहे, 12 को पढ़ा रहे, 15 को पढ़ा रहे, 20 को पढ़ा रहे, एक अध्यापक तो 25 लड़कों को गाइड कर रहा है। अब ये कोई PhD थोड़ी ना हुई, ये तो PhD का मजाक हुआ। तो ये अच्छा नहीं है, और इसलिए नियम सारे 800 यूनिवर्सिटी के लिए एक है और वो लागू है, दुनिया जैसे है, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं। और हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि यही UGC के नियम सही है, इसका पालन सबको करना है। लेकिन मैं जानता हूं पिछले साल 970 एडमिशन्स हुए, इस साल अभी इस वक्त 200 या 250 कुछ पद है जो अभी मिले हैं, लेकिन JNU जैसे प्रगतिशील विश्वविद्यालय में शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के प्राध्यापकों की जगह भरी ही नहीं थी। यानी 8-10 साल से रिक्तियां थी, वैकेंसी थी। हमने ये निर्णय किया कि ये सारी रिक्तियां भरनी चाहिए और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के टीचर्स प्रोफेसर को भी न्याय मिलना चाहिए, और इसलिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। और भर्ती प्रक्रिया अब होगी आने वाले 2-3 महीने में। 300 नए अध्यापक प्राध्यापक वहां आएंगे, और ये सीट पिछले साल 970 थी, इस साल उससे भी ज्यादा होगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूं, गलत प्रचार पर कभी चलेगा नहीं देश। सर, शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगता रहा है आपके ऊपर, और अभी कहा जा रहा है कि संघ के कई आनुषांगिक संगठन है, नाम जैसे है भारतीय शिक्षा मंडल और भारतीय नीति, तो ये आपको नई एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट करने में मदद कर रहे हैं, और संस्कृत के पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं अंग्रेजी की जगह जो है संस्कृत की पढ़ाई हो। नहीं, पहले 2-3 बातें करना चाहता हूं। पहले तो
हम कोई कलर नहीं दे रहे, इस देश का एक ही कलर है, तिरंगा तिरंगा तिरंगा। लेकिन तिरंगे में भी भगवा है। मुद्दा यह है कि हम कोई कलर और ये राजनीति नहीं कर रहे, हम शिक्षा को न्याय देना चाहते हैं, छात्रों को न्याय देना चाहते हैं, उनके अभिभावकों को न्याय देना चाहते हैं। मेरे सामने वो गरीब माँ आती है जो खेतिहर मजदूर है, लेकिन वो मेहनत करके अपनी पाई पाई जमा करके अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे मिले उसके लिए पूरी जिंदगी लगाती है, उसका चेहरा मुझे आता है, वही मेरी जज है और उसी के लिए मैं काम करता हूं, यह हमारी कमिटमेंट है। और इसलिए संस्कृत का आपने विषय निकाला, पहले तो संस्कृत कोई विदेशी लैंग्वेज तो है नहीं, अपने संविधान की मान्यता प्राप्त लैंग्वेज है और ये अंग्रेजी के एवज में नहीं आएगी, कोई भी भाषा हम कंपलसरी नहीं करेंगे, यह हमने कहा है। चॉइस आपका है, 23 भाषा है संविधान में, 22 भाषा है और अंग्रेजी लिंक लैंग्वेज है, 23 में से कोई भी आप दो तीन लैंग्वेज का फॉर्मूला जो होता है तो उसमें से कोई भी तीन लैंग्वेज पढ़ो, यह हम कहते हैं। जिसको 4 पढ़ना है उसका और स्वागत है, किसी को 5 पढ़ना है तो उसका और स्वागत है। भाषा से तो प्रतिभा भी बढ़ती है और बहुभाषी होना अपने आप में जिंदगी में एक बड़ी काबिलियत होती है, तो वो स्टूडेंट्स का चॉइस है, हम कुछ थोपेंगे नहीं। सर, इससे पहले कि हम अब लोगों से सवाल लें, हाउस से सवाल लें, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक निजी सवाल मेरा अपना है कि क्या हम महाराष्ट्र के भावी सीएम से बात कर रहे हैं? नहीं नहीं भाई, ये कहाँ से लाए? अरे वहाँ हमारे काबिल मेरे नौजवान साथी वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं और इसलिए यहाँ मैं खुश हूँ। आपको मुझे, मैं आपको दिल्ली में नहीं चाहिए क्या? तो दिल्ली में हूँ, मैं खुश हूँ। तो आइए अब हम हाउस से सवाल लेते हैं। काफी सारे सवाल हमारे पास आए हुए हैं, नोट करके। यूथ मंत्री साहब ने अभी यूथ पर भरोसा जताया और यूथ ने काफी सवाल दिए हैं, कई सवालों के जवाब मंत्री महोदय दे चुके हैं, मैं उन्हें एक बार फिर पढ़ देता हूं। संदीप शर्मा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछा है, ये जवाब दिया जा चुका है। सर, कई सारे सवाल आए हैं लोगों के राज्य सेवा आयोग के बारे में कि यहाँ भ्रष्टाचार है कई राज्यों में, जो परीक्षाएं हैं वो नियत समय पर नहीं होती, साल में एक बार नहीं होती, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर क्या मतलब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का? नहीं, इसीलिए राज्य सेवा आयोग, ये यूपीएससी या राज्य सेवा आयोग या हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री में नहीं आता है, क्योंकि पढ़ाई प्राप्त करने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद वो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन देते हैं। लेकिन एक हम अच्छी पहल कर रहे हैं, आज सीबीएसई, जेई हो या नीट हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, सीबीएसई का नाम अच्छा है तो इसलिए उनको ही गले में सारा आता है। तो हमने ये सोचा है, आज सीबीएसई 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों की एग्जामिनेशन विभिन्न 15-20 परीक्षाएं लेता है, तो ये अपने आप में एक बड़ा काम है और इसलिए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हम तैयार करना चाहते हैं, जैसे प्रगत देशों में होता है, तो जो परीक्षा का ही काम करेगी। सीबीएसई को 18,000 स्कूल्स भी है, उनको भी देखना है, वो उनका प्राथमिक काम है और परीक्षा का काम दूसरे को करना चाहिए, इसलिए एक स्पेशलाइज परीक्षा एजेंसी होगी और मुझे लगता है ये सब राज्य समझेंगे कि परीक्षा की एक पवित्रता होती है, समय पर होनी चाहिए, बिना नकल की होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। हम पेपर सेटर के भी ट्रेनिंग क्लासेस लेने वाले हैं, क्योंकि पेपर भी ठीक तरीके से सेट होने चाहिए और जिसमें ज्ञान की परीक्षा हो, कौशल की परीक्षा हो और छात्रों को प्रोत्साहन मिले, दबाव न बने, तो इस तरह से काम करके एक नई टेस्टिंग एजेंसी हम बना रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे सामने जेएनयू की असिस्टेंट प्रोफेसर बैठी हैं, आपका कोई सवाल हो तो पूछ सकती हैं आप। Good morning. I have a question to Honorable. I'm architect. My name is Rajendra Kumar. Yes. There was a report by Times of India that 60% of our engineering graduates are unemployed in India. This is the situation. And engineering education comes under AICTE. And AICTE comes directly under Ministry of HRD. So the education of architecture
is governed by Council of Architecture. So there was a debate about Council of Architecture to remove from Ministry of HRD, and it is now it's going in Ministry of Urban Development. The reason what it was given for this ministry shift was that HRD ministry is not able to handle the kind, I mean, architecture education cannot have the same situation like engineering education is there. And at present, HRD ministry is struggling a lot to retain this Council of Architecture within their ministry, but it's going to Ministry of Urban Development. So I would like to have your comment, sir. Will you let it go? नहीं पहले तो हमारे मंत्रिमंडल में मोदी जी के मंत्रिमंडल में ये मेरा या तुम्हारा ये अरे सब अपना है और इसलिए एक मंत्रालय या दूसरा मंत्रालय ये हमारा मुद्दा नहीं है ये पुलिस के या बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है इसमें दो मुद्दे हैं फार्मेसी काउंसिल जैसे अपनी काउंसिल है डेंटल काउंसिल अपनी काउंसिल है इंडियन मेडिकल काउंसिल है वैसे आर्किटेक्ट काउंसिल भी एक कानून से बनी है तो आर्किटेक्ट काउंसिल अब इतना ही मुद्दा बार बार कोर्ट में जाता है कि आर्किटेक्चर का एजुकेशन चूंकि टेक्निकल एजुकेशन है तो क्या वो AICTE में आता है या टेक्निकल एजुकेशन है तो वो जैसे बाकी इंडियन मेडिकल एजुकेशन वगैरह है वैसे आर्किटेक्ट काउंसिल का वो अधिकार है या AICTE का इस मुद्दे पर जरूर विवाद हुआ उसका कोर्ट में भी जो फैसला होगा देखेंगे लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे यहाँ अधिकारों की लड़ाई नहीं है हमारे यहाँ सुविधा की लड़ाई है कि सुविधा सबको मिले कैसी अच्छी मिले ये हम देखते हैं हर जी कोई और सवाल है आपके पास मंत्री जी को जाना भी है थोड़ा जल्दी जी मंत्री जी के पास समय कम है इसलिए हम चार सवालों को मिक्स कर रहे हैं ये वो सवाल है कि क्या पारंपरिक पढ़ाई करने वाले छात्रों के रोजगार के लिए सरकार कुछ नए रास्ते तलाश रही है कि वो क्या करे मुझे लगता है वैल्यू एडिशन ये है कि पारंपरिक जनरल एजुकेशन जो है उसमें कोई ना कोई कौशल उसमें जोड़ेंगे तभी रोजगार मिलेगा और इसलिए रोजगार जो होगा वो जरूरी है कि क्योंकि हर एक का आखिर शिक्षा क्यों लेते हैं ये भी एक समझना चाहिए विषय का ज्ञान मिले इसके लिए लेते हैं कौशल मिले इसके लिए लेते हैं लेकिन मूल शिक्षा का उद्देश्य है कि एक अच्छा इंसान तैयार हो शिक्षा से ये टू ब्रिंग आउट अ बेस्ट ह्यूमन बीइंग इज द मेन थ्रस्ट ऑफ एजुकेशन लेकिन कौशल की जरूरत है रोजगार के लिए और इसलिए कौशल को जोड़ना दैट इज वैल्यू एडिशन एक सवाल हम ले रहे हैं हमारे माननीय स्पीकर डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक से सवाल मंत्री से नहीं है प्रोफेसर जो जेएनयू के हैं उनसे है कि 50 सिविल इंजीनियर वैकेंसी हमारे यहाँ है तो 50 इंजीनियर हमारे पास भेज दीजिए उनकी बहाली हम कर देंगे ये सब स्पीकर जो है ना ऐसे ही है काम करने वाले का अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है ऐसे लोग जो खोजते हैं नौकरी मैं दादा को हाथी था उस हिसाब से नौकरी चाहिए दिल्ली चाहिए पटना चाहिए हमको ऐसा चाहिए ये काम वहाँ नहीं जाएंगे ये काम नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है इंजीनियर सब 50 को जानकारी हो हमको भेज दीजिए हम बहाली कर देंगे मंच के बाईं तरफ माइक पहुंचाएं कई हाथ खड़े हैं और अपने सवाल छोटे रखें जल्दी जल्दी पूछें सर जिस तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग में करप्शन है क्या आपको नहीं लगता कि उस करप्शन की जांच करने के लिए एक अलग से केंद्रीय एजेंसी बने क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग का करप्शन को SIT देखती है या CBI मुझे लगता है कि करप्शन की उस बारीकियों को ये लोग नहीं समझते इसके लिए एक अलग एजेंसी बने जो इस बारीकियों को समझे कि ये करप्शन किस प्रकार का होता है राज्य लोक सेवा आयोग हमारे यहाँ संघ राज्य व्यवस्था है और वो राज्यों के अधिकार में आता है इसलिए आपका सुझाव मैं संबंधित मंत्रियों को दूंगा लेकिन ये राज्य सरकारों पर ज़्यादातर निर्भर करता है लेकिन एक अच्छा है कि धीरे धीरे लोग बदल रहे हैं देश आगे बढ़ रहा है और अटल जी ने कहा था एक बार 80 में जब हमारी पार्टी सब हार कर लेकिन नहीं तैयार हुई तो उन्होंने कहा था अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा कमल खिलेगा और वो खिल रहा है ये आप देख रहे हैं और मुझे लगता है सब ठीक होगा जनता तरक्की के लिए वोट दे रही है माइक को मंच के बीच में पहुंचाया वो सवाल पूछेंगे लेकिन इस बीच कई सारे सवाल आ चुके हैं इसमें से एक सवाल कई लोगों ने पूछा है जो इंटरेस्टिंग है
पांच सात मिनट मंत्री महोदय आपका वक्त और हम लेना चाहेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, चार पांच लोगों ने ये सवाल पूछा है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे देश में बहुत सारे छात्र हैं जो अमेरिका और कई देशों की जनसंख्या से भी ज़्यादा होने जा रही है, लेकिन जो इनको नैक संस्था है, जो इनको क्रेडिट देती है, एक्रेडिट करती है, वहाँ लंबी कतार लगी हुई है और उनके पास इतने लोग नहीं है कि वो हर कॉलेज हर विश्वविद्यालय का बहुत अच्छा कर सके। तो नैक के लिए नैक जैसे ही अधिकार जो आईआईटीज आईआईएम्स तैयार है एक्रेडिटेशन एजेंसी बनने के लिए उनको भी हम दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस साल में ऐसे भी और तीन चार एजेंसियां शुरू होगी ताकि केवल एक नैक पर 10-10 साल कोई वेट ना करे, हर साल जितने लोगों को एक्रेडिटेशन लेना है वो ले सकेंगे, ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। एक मेरा सवाल है, तो मैं स्कूलों के साथ ही काम करता हूँ दिल्ली के सीलमपुर शाहदरा एरिया में। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने भी जो मुद्दा उठाया कि आरटीई में अभी फर्स्ट से एट तक की हम शिक्षा देते हैं, उसको हम दसवीं तक ले जाना चाहते हैं। सर, अभी काफ़ी बच्चे आठवीं के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं और जाफराबाद और उन सारे स्कूलों में 5,000 बच्चों की क्लासें लग रही हैं क्योंकि सरकार हमारे पास वहाँ पे ना प्राइवेट स्कूल्स हैं जो लो बजट स्कूल्स हैं और जो सरकारी स्कूल्स हैं वो भी बहुत कम है। तो क्या आपका कोई सुझाव है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें सुधारना है, क्योंकि आरटी के अगर नॉर्म्स देखें तो उसमें 1/30 की हम बात करते हैं पर 1/100 की भी क्लासेस सरकारी स्कूलों में भी चल रही हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या सुझाव? लेकिन अपने देश में मजे की बात यह है कि देश भर में 24/1 ऐसा शिक्षक है, लेकिन सब महत्वपूर्ण जिला स्थान प्रदेश के स्थान और राजधानियों में बैठे हैं, गांव में जाने के लिए नहीं है, इसलिए 1,00,000 स्कूल ऐसे हैं जहां एक ही अध्यापक है। तो इसलिए ये जो विषमता है ये डिस्पर्सल का प्रॉब्लम है, और हमने सभी राज्यों को कहा है कि वो अपने शिक्षकों को ठीक तरह से नियुक्तियाँ दे ताकि अपने अपने जगह रहे। अभी एक भी टीचर, बहुत टीचर अपने गांव में रहते ही नहीं, छोटे गांव में। तो ये मुद्दा भी एक महत्वपूर्ण है, अच्छा हुआ आपने ध्यान दिलाया। सर नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप शर्मा हूँ, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से। मेरा सर सवाल एक इम्प्लीमेंटेशन, जो पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन है उस पर है। सर, हमारे देश की या सिस्टम की समस्या ये होती है कि जो कानून बनाता है वो कानून को लागू नहीं करता, जो कानून लागू करता है कानून उस पर लागू नहीं होता, और जिस पर लागू होता है वो कानून को सर जानता नहीं, और जो कानून को जानता है वो कानून को मानता नहीं। तो सर पॉलिसीज तो हर गवर्नमेंट बना देती है मगर सर प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन में। तो आप लोग पॉलिसीज, जैसे मेरा पर्सनल मानना ये है कि आपके पहले भी बहुत सारी सरकारें रही हैं और उन्होंने भी शिक्षा नीतियाँ बनाई हैं, मगर सर प्रॉब्लम ये है कि नीतियों का जो इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ मेन समस्या है। वो तो सवाल की सरकार कैसे हैंडल करेगी? आपका सवाल ले लिया मंत्री। अच्छा सवाल है और आपने अच्छा बनाया एक तुकबंदी भी, तो उसका भी स्वागत है। लेकिन सच्चाई ये है कि डिसीजन इज वन थिंग, इम्प्लीमेंटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, और इसलिए इम्प्लीमेंटेशन में हमने ये सोचा है कि देखो इम्प्लीमेंटेशन केवल डंडे से नहीं होता, केवल सरकारी आदेश से नहीं होता, समाज जब तक शामिल नहीं होता उसमें, तो इसको एजुकेशन को एक समाज का आंदोलन बनाए, सभी लोग शिक्षा से जुड़े, और एक बड़ी मुहिम हम करने वाले हैं ताकि हर स्कूल के लिए 2-4 ऐसे भी लोग होंगे, कोई एलुमनाई होगा, कोई दूसरे भी वहाँ के अधिकारी होंगे, वो भी आएंगे, वो भी ये स्कूल अपना समझेंगे और स्कूल को सुधारने में शिक्षकों की मदद करेंगे। इतनी भी एक निगरानी बहुत काफ़ी होती है, तो समाज को साथ लेकर नियम ठीक बनाकर और शिक्षकों पर भरोसा रख के उनको प्रशिक्षित करके और उनको विश्वास में लेकर ही ये हम पूरा आगे बढ़ाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये हो सकता है, मैंने करके देखा है इंडिविजुअली मेरे आदर्श गांव में भी, और ये आगे सब जगह भी हो सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम दैट वी विल नॉट बी एबल टू टेक इट। वन मोर सर, वन मोर क्वेश्चन, जस्ट वन मोर क्वेश्चन, कोई भी। एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र का प्रोफेसर हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरा सब निवेदन ये है कि हम जानते हैं कि ये इस देश में शिक्षा हरेक की आवश्यकता है, लेकिन उच्च शिक्षा हरेक के लिए नहीं है। कौशल विकास की जो चर्चा अभी हुई है, उस कौशल विकास के अंतर्गत क्यों नहीं हम चीज़ों को परकुलेट कर पाते सर? बीए के बाद हम केवल एमए पर अगर जाएगा तो फिर उसके बाद पीएचडी और एमफिल की चर्चा करेगा। मुझे लगता है शायद इस कारण से आपको सीटें भी काटनी पड़ी हैं।
कोई काटी नहीं पड़ी, एक भी काटी नहीं है। उसके लिए आवश्यकता केवल यह है, डबल होगी कि जब कौशल विकास है और कौशल विकास के साथ बाकी ग्रेजुएशन की डिग्री को जोड़कर आगे का लोड क्या कम करने की कोई योजना है हमारे पास? ग्रेजुएट क्यों, दसवीं के बाद भी आठवीं के बाद भी हो सकता कौशल है और उसकी योजना बहुत कारगर हुई है। इस साल हमने 23 लाख से ज्यादा छात्रों को पढ़ाया है कौशल देकर और उसमें से 80% लोग तुरंत उनको नौकरियां मिली है और उससे ज्यादा इस साल यह संख्या 60-70 लाख से आगे जाएगी, 1 करोड़ से आगे जाएगी सब मिलके एफर्ट्स। तो ये हर साल 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं का कौशल प्रशिक्षण और 3000 सेंटर्स उसके निकल रहे हैं, उसकी योजना कौशल मंत्रालय की शुरू हो गई है। तो जैसे ये 3000 केंद्र ऑपरेटिव होंगे आने वाले चंद महीनों में, तब ये आपको मिलेगा कि कौशल जोर दे होगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। थैंक यू सर। एक सवाल, आई अंडरस्टैंड दैट वी पीपल विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सर मेरा नाम डॉली चंद्रा है और मैं काफी दिनों से ये एक चीज मेरे दिमाग में घूम रही है। मैं गांव से हूँ, अलीगढ़ के गांव से हूँ, यूपी से। तो सर ये देखा जा रहा है हमारा जो मुखर्जी नगर है, करोल बाग है, यहाँ पर प्राइवेट कोचिंगों का एक बाजार बड़ा बहुत बड़ा हो गया है। बच्चों में भी ये देखा जा रहा है कि वो प्राइवेट फॉर्म भर देते हैं बीए का, हाई स्कूल का, इंटर का, और कोचिंग लेने मुखर्जी नगर आ जाते हैं। दो दो ढाई ढाई लाख कोचिंगों की फीस है और फिर यहाँ रहने का खर्च, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? नहीं नहीं, इसमें जो आईएएस के लिए आते वो अलग है। आईएएस की बात नहीं कर रही हूँ सर। तो जो दूसरे है वो गलत है। ये पेरेंट्स का भी प्रशिक्षण करने की जरूरत है, उनको भी लगता है कि ज्यादा पैसा खर्च करने से अच्छी शिक्षा मिलती है, ये सच नहीं है। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि जो स्कूल में ही अच्छी पढ़ाई हो, कॉलेज में अच्छी पढ़ाई हो, जहाँ पढ़ाई के लिए दाखिला लिया है वहाँ पढ़ाई नहीं होगी और 2-2.5 लाख रुपए आप ट्यूशन में खर्च करोगे, ये समाज को जैसे आप एक भूत सवार हो गया। अंग्रेजी सीखना एक अलग बात है, जरूरी भी है, लेकिन अंग्रेजी मीडियम में सीखना पहली से ये क्यों जरूरी है, ये मुझे आज तक कोई समझा नहीं पाया। और इसलिए जिसको पढ़ना है उसको आज़ादी है, लेकिन फैशन के लिए ये खर्चा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड एनी मोर क्वेश्चंस दैट वी पीपल विल हैव, वी माइट जस्ट गो अहेड एंड ट्वीट इट। वी हैव गॉट अ हैशटैग रनिंग, द यूथ कॉन्क्लेव। वी कैन ट्वीट द क्वेश्चंस एंड वी कैन हैव देम एड्रेस्ड। जी डॉक्टर आशीष अग्रवाल को हम बुलाना चाहेंगे, मंत्री महोदय को एक मेमेंटो पेश करें। मिस्टर आशीष अग्रवाल इज डायरेक्टर आदित्य बिल्डर। आई वुड ऑल्सो लाइक टू इन्वाइट मिस्टर आलोक गोयल, पार्टनर स्मार्टर एंड सेफ सॉल्यूशंस, टू प्रेजेंट अ टोकन ऑफ ऑनर टू श्री प्रकाश जावड़ेकर। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जावड़ेकर जी का। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से उन्होंने समय निकाला इस कॉन्क्लेव के लिए, ख़ास तौर पर आए, अच्छी बातचीत रही और ख़ास तौर पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में उन्होंने बताया, हमें पूरी उम्मीद रहेगी कि जल्द से जल्द 3-4 महीने के अंदर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी और पूरा का पूरा देश इससे लाभान्वित होगा, क्योंकि देश का भविष्य जो है वो यूथ पर ही है और यूथ का जो भविष्य है वो शिक्षा पर भी है।